तो गाइस हम लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, वीकेंड मिलने के बाद हम आ चुके हैं गांव गांव में मेरे मामा जी का के साथ आ चुके हैं इधर नदी नदी बगीचे के तरफ। और मेरे मामा जी आज आप लोग को बताएंगे नदी और तालाब उलोभ के बारे में। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए ये तालाब, इस तालाब में हम लोग का बचपन गुजरा है। जब इस तालाब पे हम लोग आते थे नहाने के लिए तो पता नहीं घर वाले सब कितना डांटते थे, मारते थे, पीटते थे, फिर भी हम लोग इस तालाब में नहाते थे। लेकिन आज देखो, आज ये वक्त कैसे गुजर चुका है। आज हम लोग बड़े हो चुके हैं और तालाब भी उस तरीके की हरियाली नहीं है। और जिस आज इस तालाब को देख के हम लोग का मन इतना समझ लीजिए कि बहुत अपसेट हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि बचपन हम लोग का यहाँ पे गुजरा था। और पता है गाइस, और आप लोग ये देखिए, ये फील्ड जो ये फील्ड बहुत ही समझ लीजिए कि हम लोग का एक ईडन गार्डन फील्ड हुआ करता था। ये समझ लीजिए कि आज के डेट पे यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं आता है। उस समय हम लोग के पास एक बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। पता था उस बॉल जब सबको इकट्ठे करके हम लोग 50 टका 60 टका मिला के उसके बाद एक बॉल खरीदते थे। आज मैं अकेला बॉल खरीद सकता हूँ, बट वो 11 दोस्त मेरे पास नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात हो रहा है कि हम लोग का बचपन कैसा था। जब बचपन थे हम लोग तो हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। लेकिन आज हम लोग जो बड़े हो गए हैं तो आज उस बचपन को मिस कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में बचपन ही बचपन कुछ अलग बात था। पता है गाइस, ये जो ताला है ना, इस तालाब में हम लोगों के भी पानी जहाज चला करते थे। और आज के डेट पे हम लोग का कुछ नहीं, समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी बहुत अफसोस हो रहा है। थैंक यू गाइस।